अस्सलामुअलैकुम। सो आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी कद्दू की खीर। तो उसके लिए हम लेंगे 1 लीटर दूध, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये घिसा हुआ कद्दू, ये है भिगा हुआ साबूदाना। दूध में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच शक्कर। आप देख सकते हो दूध में उबाल आ चुका है। अभी उसमें हम ऐड करेंगे कद्दू, क्योंकि हैदराबादी खीर है, कद्दू जाना तो लाजमी है। एक्चुअली इसमें कलर भी ऐड करते हैं, बट है ना, हमको नेचुरल बनाना है ना, तो कलर ऐड करने की कोई ज़रूरत है नहीं। कलर के लिए डाल सकते हैं, बाकी ऐसे भी चलेगा। देख सकते हो हमने कद्दू ऐड कर चुके हैं इसमें। इसे अच्छे से पकने देंगे। दूध को तब तक उबालना है जब तक वो आधा ना हो जाए, मीन्स आधा थोड़ा सा कम हो जाए। मैंने इसे बनाया है गोकुल दूध की, अमूल में भी बना सकते हैं। देख सकते हो अच्छे से पक रहा है। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना। ऐसे तो हम इसमें बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे केवड़ा वाटर हो गया, मावा हो गया, और कलर हो गया, बट हम लो बजट में बना रहे तो इतने कम पैसे में इतनी बढ़िया खीर, जिसको भी आप पिलाओगे दिल खुश हो जाएगा सामने वालों का। बस एक बार बना के ट्राई करना, आई होप अच्छी लगे आप लोगों को। लगभग हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है, बट हमें फिर भी इसे पकने देना है। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा और दूध। अब इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे अच्छे से। हमारी खीर बनके तैयार है। अभी चलो सर्विंग बाउल में निकालते हैं। तो बनके तैयार है हमारी हैदराबादी कद्दू की खीर। चलो कल मिलते हैं वापस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।